हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोग जा रहे हैं फैसलाबाद टू सवात और हमारा ये सफ़र होगा 8 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स का। सिग्नल चेक। हेलो, हम लोग अभी रुकेंगे मर्दान डिनर के लिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे सवात मोटरवे पे। ये है टिकाला होटल एंड रेस्टोरेंट मर्दान में। बूफे का सीन यहीं पे ऑन होता है और ये मेरे एक दोस्त हैं उज़ैर भाई उनका। सो मर्दान जब भी हम लोग आए तो यहाँ पे लाजमी रुकना होता है हमने। मर्दान में डिनर से फ्री होके और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं स्वाद मोटरवे पे वापस। और यहाँ पे रात कन्वर्ट होती है दिन में और वो रिकॉर्ड भी हो जाती है कैमरे में, जो कि आप भी देख रहे हैं। और इसी तरह हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह फर्स्ट टाइम पहुँचते हैं स्वाद में, एंटर होते हैं। और लेकिन ये स्वाद मोटरवे काफ़ी लोगों ने अभी नहीं देखा हुआ, तो मैंने सोचा कि इसके शॉर्ट्स को ऐड करके लाजमी दिखाऊं कि स्वाद मोटरवे में है कैसा। बहुत खूबसूरत है, माउंटेन्स हैं राइट और लेफ्ट और काफ़ी अच्छे और मज़े के सीन्स हैं। और फिर इसमें टनल भी ऐड हो जाती है तो मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। और इस दफ़ा के टूर की सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जितने लोग टूर पे गए हुए थे, हम में से ना कोई बीमार हुआ और ना ही मैं ड्रोन घर पे भूला। इसलिए सबका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और वेदर ने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करवाया हमें। अभी बस विद इन अ सेकेंड्स टनल आ रही है। टनल को देखते ही हम लोग फ़ौरन से एंट्री मारेंगे स्वात में, और उसके बाद फिर स्वात सीन जब स्टार्ट होंगे तो फिर मेरे भी इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जस्ट स्क्रीन ही देखते जाएंगे। टनल बस टाइम स्लैप है गई। अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं वेलकम टू सवात में। सो यहाँ के सीन्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिंगोरा, जो कि स्वात का कैपिटल है और फिजागढ़ में गोरा में मौजूद है। और यहाँ की ट्रेडिशनल बोटिंग ही यहाँ की पहचान है। और फिजागढ़ के बिल्कुल सामने एक होटल मौजूद है बुर्जुल स्वाद। अगर आप नहीं भी देखना चाहेंगे तो आपको फिर भी नजर आ जाएगा। और जितना प्यारा बाहर से लगता है उतना ही खूबसूरत ही अंदर से भी है। हम लोग तो जब भी सवात आते हैं तो हमारा मस्ट एक स्टे यहाँ पे ज़रूर होता है। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे स्नो सीन्स, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए इसको थोड़ा तेज़ करते हैं। उमर भाई ब्रेक पे पाँव रखें, मुझे लग रहा है कि हमारा होटल बिल्कुल पास आ चुका। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे होटल के सीन, 11 कोर आर्मी गेस्ट हाउस। और जैसा कि नज़र आ रहा है सामने के जो स्नो है वो बिल्कुल प्योर है, अभी तक यहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं आई। इट्स मीन के कल से लेके अब तक हम लोग फर्स्ट हैं जो कि यहाँ पे स्टे के लिए रुकेंगे। तो भाई मुझे लग रहा है काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जो सीन्स हैं वो तो मतलब ये सामने के सीन्स बहुत औसम है, हम लोग नीचे से देखते हुए आ रहे हैं लेकिन सामने क्लाउड्स ने इसको कवर किया हुआ है। और सामने ये जो टेरेस नज़र आ रहा है इसका और चेयर्स, मज़ा आएगा यहाँ पे बैठ के लूडो खेलने का कम अज़ कम। तो आप लोग ज़रा सामने सीन चेक करें, क्योंकि व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा सामने। और हम लोग यहाँ पे ज़रा चेक इन कर लें। और ये सीन पता नहीं क्यों मैं जब भी इसे देखता हूँ ये मुझे आंसू लेक की याद दिलाता है।
अजान मगरिब के बाद मैंने अपना ड्रोन उठाया और उठा के जब हम लोग बाहर निकले तो काफ़ी कुछ खूबसूरत हमें कैप्चर करने को मिला। ये बिल्कुल सामने हमारे चेयरलिफ्ट वाली साइट है जो आप देख रहे हैं, और इसी के थोड़ा सा पहले ये आ जाता है 11 को आर्मी गेस्ट हाउस, और उसके बाद ये सीन, ये वो पूरा गेस्ट हाउस है। तीन इसके हैं हॉल्स, वन फॉर जेंट्स, वन फॉर फैमिलीज एंड वन फॉर फीमेल्स। और ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं खूबसूरत सा जिसमें लाइट्स ऑन है, इसमें टेबल एंड चेयर्स लगे हुए हैं, ये इनका मेस है। आपने अगर खाना खाना तो आपको रूम में सर्व नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पे आके बाहर खाना खाना पड़ेगा। बेशक स्नो हो, जितना मर्जी टेम्परेचर हो, आपने यहीं पे वापस आना। और ये सीन अगेन रात को मैंने एक दफ़ा फिर बनाया अपनी तसल्ली के लिए, ताकि मैं इसको इमेजिन करते हुए सो सकूँ कि ये मैंने क्या बनाया। गुड मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह होती है हमारी यहाँ से। मैं ऊपर आता हूँ ये देखने के लिए कि चेयरलिफ्ट का सीन ऑन है या नहीं, लेकिन क्लाउड्स कहते हैं कि बेटा किधर, हम तुझे देखने नहीं देंगे, जो मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी आ जाओ। और ये देखने जो थोड़ा सा नज़र आ रहा था वो भी इन्होंने मेरे सामने आके इसको बंद कर दिया, जस्ट लाइक इन्होंने विंडो ही क्लोज़ कर दी मेरी। और उसके बाद फिर शुरू होता है स्नोफॉल का सेशन, जो कि ये है। हाई गर्मी तो आप सबने सुना होगा, लेकिन हाई सर्दी क्या होता है वो सिर्फ मुझे यहाँ पे पता चल रहा था, इसलिए ये शॉट बनाने का सारा क्रेडिट जाता है काशिफ राणा को। और बाय द वे, ये सीन एंजॉय करने के बाद आपके टूर के सारे पैसे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। और भाई ये है आइस पेंसिल्स। टेम्परेचर -5 होने की वजह से पानी हर जगह पे जमना शुरू हो गया, तो हमने वहाँ से निकलने में ही अपनी आफियत जानी और अपनी वापसी की तैयारी की। लास्ट सीन को डिज़ाइन किया, बनाया, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के लिए हुए तैयार। और ये गाड़ी है बिलाल अकमल की, मेक योर ऑन ट्रिप, और इनसे फेसबुक पे दोस्ती हुई और फाइनली मीटअप हुआ हमारा यहाँ पर। और फाइनली ये थे हमारे वापसी के सीन्स। और लास्ट में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी तरफ से दी जाने वाली अप्रिसिएशन मुझे वहीं पे मिलती है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।